सिपाही द्वारा युवक को गाड़ी से टक्कर मारने के मामले में युवक की पत्नी ने जगदम्बा हॉस्पिटल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बजोट निवासी नदीम कपड़े बेचने का कार्य करता है। नदीम की पत्नी ने बताया कि सोमवार को नदीम खरखोदा के कपड़े बेचने गया था। लौटते समय गाजियाबाद में तैनात सिपाही और उसकी साथी नवीस ने नदीम को दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान नदीम ने बचकर भागने की कोशिश की। मेरा भैया भैया 7 दिन हो गए, क्या तारीख थी भैया? 9-7 पुलिस वाला, उसके अपनी प्राइवेट है, उसकी गाड़ी है वो घर की, और श्याम नगर में रहता है भैया वो, और एक नफीस चोर है जालंबर गली में रहता है, और दोनों थे भैया साथ में श्याम नगर में। भैया मेरा सब कुछ लूट गया, ये श्याम नगर में रहता है भैया कि इसकी वहाँ जल्दी अहमदाबाद इसमें गाजियाबाद में भैया मेरा नहीं, 7 दिन से फिर रही मैं यही छोड़ के अपने आदमी को, अपने बच्चों के साथ मेरी कार्रवाई नहीं करी, अभी भी मैं जेल चुंगी बजे पे बैठ जाए सबसे बड़े सर वहाँ पे दरख्वास्त लगा कर बिल्कुल अभी आई हूँ। हॉस्पिटल में यही कह दिया, पैर टूट गए बिल्कुल, सारे हाथ टूट गए, और सांस में जब से ही दिक्कत है 7 दिन से ही भैया सिरने में जी भैया, जब से ही करेंगी आज भी नहीं, और मैं पूछने एक बार भी मेरे आदमी को एक बार भी नहीं आए, यहाँ 7 दिन में जा रहे आज। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।